प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंदौर को स्वाद की राजधानी कहा है और इंदौर के स्वाद में सबसे बड़ा योगदान यहां के चटपटे पोहे का है। यहां का पोहा न केवल देश बल्कि विदेशों में भी मशहूर है। इंदौर के लोग सुबह शुरुआत पोहे और जलेबी के नाश्ते से करते हैं और यहां 24 घंटे आपको पोहा मिल जाता है। यही वजह है कि शहर में हर रोज करीब 90 टन से ज्यादा पोहे की खपत होती है, जो अपने आप में रिकॉर्ड है। आज वर्ल्ड पोहा डे पर इंदौर से देखिए हमारी खास रिपोर्ट। वैसे तो देश भर में पोहे के शौकीन आपको मिल जाएंगे, लेकिन इंदौर के पोहे की अपनी अलग ही बात है। पोहा सुपर हेल्दी फूड होने की वजह से दुनिया भर में मशहूर हो रहा है। इंदौर में सुबह की शुरुआत पोहे से होती है। सभी प्रमुख बाजारों और चौराहों पर बड़े बड़े कड़ाहों से उठती पोहे की महक आपको अपनी ओर खींच लेती है। इस शहर में तकरीबन 90% लोग दिन की शुरुआत पोहे के नाश्ते से करते हैं। वर्ल्ड पोहा डे तो वर्ल्ड के लिए होगा, लेकिन इंदौर में तो हर दिन पोहा डे होता है। इंदौरियों के पोहा प्रेम का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि यहाँ रोजाना 80 से 90 टन पोहे की खपत होती है। मजे की बात यह है कि छत्तीसगढ़ से पोहे का मटेरियल आता है, उज्जैन में प्रोसेस होता है और इंदौर में सबसे ज्यादा खाया जाता है। इंदौर में 7 तरीके से पोहा बनाया जाता है। सैनी पोहा, हेड साहब का पोहा, 56 दुकान का पोहा, गुरु का पोहा, अलग अलग पोहे और जायका भी अलग अलग। वर्ल्ड पोहा डे वर्ल्ड के लिए होगा, पर इंदौर शहर का तो हर डे पोहा डे है। हर दिन पोहा से शुरू होता है और सबसे प्रचुर मात्रा में अगर खाया जाने वाला कोई पदार्थ है इंदौर शहर में तो पोहा ही है। मैं समझता हूँ तकरीबन अब 80 से 90 टन तक तो पोहा यहाँ पे खपत होता होगा। और मज़े की बात यह है कि पोहा छत्तीसगढ़ में उगता है, उज्जैन में प्रोसेस होता है और इंदौर में सबसे ज़्यादा खाया जाता है। इंदौर शहर एक ऐसा जहाँ पर जगह जगह पर पोहे के अड्डे हैं। सैनी का पोहा हो, हेड साहब का पोहा हो, 56 दुकान का पोहा हो, गुरु का पोहा हो, हर जगह पोहा है और पोहा का हर जगह अपना एक अलग स्वाद है। और जो पोहे के जानकार हैं उन्हें पता है कि कहाँ का पोहा कब खाया जाना है। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर सदी के महानायक अमिताभ बच्चन तक इंदौरी पोहे की तारीफ कर चुके हैं। 1950 में कांग्रेस के अधिवेशन में नेहरू इंदौर आए थे, तब उन्हें पोहा परोसा गया था। इसके अलावा अटल जी, अमिताभ बच्चन और कई बड़े बड़े क्रिकेटर्स भी इंदौरी पोहे जलेबी के दीवाने रहे हैं। इंटरनेशनल क्रिकेटर वेंकटेश अय्यर की जबानी खुद सुनिए पोहे की कहानी। जो भी टूर खत्म करके आता हूँ सबसे पहले इंदौर का पोहा टेस्ट कर रहा हूँ। तब तक अधूरा लगता है इंदौर आना, चाहे घर में मम्मी वेट कर रही हो खाना बना के, बट मैं जब तक पोहा टेस्ट नहीं करता तब तक कुछ अधूरापन सा लगता है। और इंदौर को एक पहचान दी है पोहा ने, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ जैसा पोहा इंदौर में मिलता है वैसा दुनिया में कहीं नहीं मिलता। और मैं मतलब विश्वास के साथ कह सकता हूँ कहीं भी खेलूँ, कुछ भी लाइफ में अचीव करूँ, लेकिन डेफिनेटली आके इंदौर में पोहा खाऊंगा और मैं बहुत प्राउड हूँ इंदौर के लिए। पोहे को दुनिया के पहले फास्ट फूड के रूप में जाना जाता है, लेकिन अब पोहे की पहचान सुपर फूड के रूप में बनती जा रही है, क्योंकि ये वजन घटाने का शानदार काम करता है। साथ ही इसमें ढेर सारा फाइबर, विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट जैसे जरूरी एलिमेंट्स भी होते हैं। वर्ल्ड पोहा दिवस है, इस अवसर पर मैं ये कहना चाहूँगा कि वैसे तो प्रसिद्धि इंदौर पोहों को इंदौर से ही प्राप्त हुई है। आज सारे वर्ल्ड में और इवन जो है इंडिया में हर कोने में आपको पोहे मिल जाएंगे, पर इंदौर के पोहों का स्वाद बिल्कुल अलग है। इंदौर में 56 हो, सरापा हो और जगह है, अलग अलग स्वाद के अलग अलग तरह के पोहे मिलते हैं। हम लोग नाश्ते में इंदौर वाले सबसे ज़्यादा पोहा खाना पसंद करते हैं, क्योंकि ये सबसे हल्का फुल्का नाश्ता है और पोहा खाने के बाद दिन भर एनर्जी बनी रहती है, तो इसलिए हम लोग सभी पोहा प्रेफर करते हैं। आप 24 घंटे कभी भी किसी को अगर पोहा ऑफर करेंगे तो वो मना नहीं करेगा, क्योंकि पोहे इतने फेमस है। यहाँ पे जितनी भी सेलिब्रिटीज़ आते हैं, चाहे अमिताभ बच्चन हो, चाहे सलमान खान हो, सलमान खान भी इंदौर के ही हैं, उनको भी पोहा बहुत पसंद है। इंदौर में पोहे के इतिहास की बात की जाए तो पोहा पहले महाराष्ट्रियन और मारवाड़ी परिवारों के किचन तक सीमित था। महाराष्ट्र से इंदौर आए पुरुषोत्तम जोशी ने इंदौरियों को पोहे का स्वाद चखाया और धीरे धीरे इंदौर का पोहा दुनिया भर में फेमस हो गया। अरुण त्रिवेदी, न्यूज 18, इंदौर। और इसी के साथ हमारी इस पेशकश में इतना ही। नमस्कार।